इंस्टाग्राम पर अपना स्टोरी या दूसरे का स्टोरी किसी का भी स्टोरी म्यूजिक के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका है जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपना स्टोरी या किसी दूसरे का भी इंस्टाग्राम स्टोरी म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा जो आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टोरी सेवर। आपके सामने जो है पहले नंबर स्टोरी सेवर डॉट नेट का ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है इस बॉक्स में जिसका भी इंस्टाग्राम स्टोरी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका यूजर नेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। कुछ नहीं करना है, इस टाइप से जो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूजर नेम इंटर करना है। जैसे कि हम इस इंस्टाग्राम अकाउंट का यहाँ पर स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप किसी का भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपल सा उसका अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर यूजर नेम देखने को मिल जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर यूजर नेम आपको नोट कर लेना है। यूजर नेम नोट करने के बाद इस बॉक्स में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, इसके लिए इस बॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई हो चुका है, राइट टिक मार्क आ चुका है। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जो यूजर नेम आपने इंटर किया था इस अकाउंट पर जो भी स्टोरी यहाँ पर अपलोड होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव एज वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा म्यूजिक के साथ। तो इसी तरह से आप इंस्टाग्राम से किसी का भी स्टोरी म्यूजिक के साथ अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।